मध्य आशियाई देशातील येमेन येथील हौती बंडखोरांनी एक मालवाहू जहाज हायजॅक केले होते. या जहाजावर नोकरीस असलेल्या तरुणाची 3.5 महिन्यानंतर सुटका झाली आहे. सुटका झालेला तरुण सुखरूप कल्याणच्या घरी काल सायंकाळी पोहोचलाय. रमजानच्या पवित्र महिन्यात हा तरुण घरी परतल्याने त्याच्या कुटुंबियांचा जीव भांड्यात पडला असून त्याच्या परतण्याने घरी रमजान ईद साजरी झाल्याची प्रतिक्रिया त्याच्या कुटुंबियांनी दिली आहे. मोहम्मद मुनव्वर हा कल्याणच्या गोविंदवाडी परिसरात आपली आई व बहिणीसोबत राहतो. 2021 सालीपासून मोहम्मद मुनव्वर हा आखाती देशातील खालिद फरज या शिपिंग कंपनीच्या मालवाहू जहाजावर डॅक केडर पदावर कार्यरत होता. दरम्यान येमेनचे सौदी आणि संयुक्त अमिरात यांच्यासोबत संघर्ष आहे. या संघर्षात हौथी बंडखोरांनी यांनी खालिद फरज या शिपिंग कंपनीचे मालवाहू जहाज हायजॅक केले. या जहाजावर मुनव्वर कार्यरत होता. जहाज हायजॅक झाल्याची माहिती मिळताच त्याची आई बेंजीर आणि बहीण अलिजा यांची चिंता वाढली होती. मुनव्वरचे काय होणार या चिंतेने त्यांना दिवसरात्र झोप नव्हती. मात्र भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधल्यावर हायजॅक करण्यात आलेल्या जहाजावरील मुनव्वरच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू झाले. मुनव्वर हा जहाजावरून सुटून कल्याणच्या घरी सुखरूप परतला आहे. मुनव्वर याच्यासह त्याच्या आईने मोदी सरकारचे आभार मानले आहेत. मुनव्वर यांनी जहाज हायजॅक झाल्यावर आम्ही भयभीत झालो होतो. आमचे पुढे काय होणार, जगणार की नाही याची काही एक शाश्वती नव्हती. त्या ठिकाणी जहाजावरील एका खोलीत आम्हाला कोंडून ठेवले होते. जेवण दिलं जात होतं, आम्ही नजर कैदेत होतो. आठवडाभरानंतर आम्हाला कुटुंबाशी बोलण्यास सांगितलं. मी त्यांना घडलेला प्रकार सांगितला. माझ्या आई व बहिणीने भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधल्यावर फोनाफोनी सुरू झाली, चर्चा सुरू झाली. तेव्हा कुठे तिथून सुटका होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या. आमची सुटका झाली, मी घरी सुखरूप परतलो. आमच्या घरी मी आल्याचा आनंद इतका होता की तो गगनात मावणारा नव्हता. माझ्या येण्याने घरी ईदच साजरी झाल्याची प्रतिक्रिया त्याने दिली. मुनव्वरने भारत सरकारचे देखील आभार मानले. सर पहिले तर आम्ही हमारे रूट पे जा रहे थे सऊदी के लिए कार्गो लेके, तो फिर समझो एक दिन पहले पहुंचने के एक दिन पहले हमारा शिप जो रात में आके लोग ने मतलब हाईजैक किए. जब हाईजैक किए हमको लेके गए वहां पे हुदैदा में पोर्ट सलीफ में, और वहाँ ले जाने के बाद सब वहाँ ऑफिसर लोग थे, मतलब यूनिफॉर्म में थे. जहाज में उस वक्त कितने इंडियंस थे, कितने तो थे? इस टाइम जहाज में टोटल 11 क्रू थे, उसमें से 7 इंडियन, एक कैप्टन फिलीपिन, चीफ इंजीनियर म्यांमार, चीफ ऑफिसर इंडोनेशिया, सेकंड इंजीनियर जो था इथोपिया का, ये अलग नेशनलिटी के थे, बाकी 7 इंडियन थे. क्या बोला गया आपसे पहले जब वहाँ पे गए हमको लेके, तो उन लोग ने मतलब हमको बोले कि हम लोग मतलब कोई पायरेट से नहीं है, यानी पायरेसी नहीं है ये, हम तुमको हाईजैक नहीं कर रहे, मतलब हाईजैक किए लेकिन तुम लोग को कुछ टॉर्चर नहीं करेंगे. तुम लोग बस बताओ कि तुम लोग क्या सामान लेके जा रहे थे, कार्गो क्या था तुम्हारे पास, और तुम में से कोई सऊदी या इमारात का क्रू तो नहीं है. उनको तलाश थी सऊदी या इमारात के लोगों की, इंडियन इनसे कोई लेना देना नहीं था इनका. लेकिन जो कार्गो था हमारे पास सऊदी मिलिट्री कार्गो था, तो जो मिलिट्री कार्गो था तो वो बोले कि ये तुम लोग हमारे दुश्मनों की हेल्प कर रहे, इसके लिए हमने तुमको पकड़े ऐसा. तो उसके बाद सर मतलब एक हफ्ते के बाद फिर घर पे कांटेक्ट किए, घर पे बता दिए कि ऐसा ऐसा यहाँ पे ये यमन में हौतियों ने पकड़ के रखे, तो एजेंट को कॉल करो जिसके थ्रू मैं आया था, और फिर इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करो, उसको बोलो एजेंट को वो सब करेगा. लेकिन या ये लोग बोले कि हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन थोड़ा टाइम देना. लेकिन ये लोग ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, इस लाइन में कैसा है. ये 3.5 महीने तक के पूरा चला सिलसिला, और बाद में जाके फिर इंडियन एम्बेसी और या ओमान की गवर्नमेंट, वो भी इन्वॉल्व थी इसके अंदर, इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी. उन लोग ने आपको छोड़ दिया? उन लोग ने तो रिलीज डेट हमको 4 अप्रैल को ही बता दिए थे कि तुम लोग रिलीज हो चुके हो. लेकिन जो प्रोसेस था वहाँ से निकलने का, तो वो लोग चाहते थे कि उनका जो सना एयरपोर्ट है जो 7 साल से बंद है वो चालू हो जाए, और ये लोग वहीं से जाएंगे, ऐसा उनकी डिमांड थी. और एक फ्यूल का एक शिप का पोर्ट था जिधर ऑयल टैंकर शिप आते थे हुदैदा के अंदर, तो वो भी उनको चालू करवाने का था हम लोग के जाने से पहले. तो वो लोग हमको होल्ड करके रखे थे कि इनको यहाँ पे होल्ड करके रखो और जो भी अपने काम है वो सब काम करवा लो पहले. शुरू में लगा था कि मतलब अभी ये लोग पकड़ लिए, अभी छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, जाने देंगे नहीं, 6 महीना इधर ही रुका के रखेंगे जब तक इनके पैसे की डिमांड है या जो भी कुछ डिमांड है इनकी पूरी नहीं होती तब तक ये नहीं छोड़ेंगे. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.